लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के कंसेप्ट को, ठीक है। आज की क्लास में भी हमें क्या स्टडी करना है, आज की क्लास में हमने स्टडी करना है कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर फॉर अ सॉल्यूशन, ठीक है। कि अगर हम कोई सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि अगर हम किसी दो लिक्विड्स को मिक्स कर देते हैं तो उस टाइम पर वेपर प्रेशर क्या होगा, उन कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो, हमने लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि वेपर प्रेशर की हम मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मैनोमीटर। बट अगर हमें एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट ना करना हो, हमें किसी सॉल्यूशन की हमें क्या पता होती है, कंसंट्रेशन पता होती है, मतलब अगर हमें उसकी मोल फ्रैक्शन पता हो, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन हम किसी भी कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को सॉल्यूशन में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमें कौन बताता है, रोल्स लॉ हमें बताता है, ठीक है। तो रोल्स लॉ को हम सिंपली पहले हम इसको डिफाइन करना पड़ते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। रोल्स लॉ कहता क्या है, रोल्स लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट अबव द मिक्सचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन मिक्सचर। मतलब क्या है, वो कहते हैं देखो यहाँ पे इस डेफिनेशन में हमने लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट। तो सिंपल सी चीज़ है ये बड़ी, अगर हमारे पास एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन में दो लिक्विड है, सपोज करते हैं कि हमारे पास एक लिक्विड क्या है, वोलेटाइल है, एक लिक्विड क्या है, नॉन वोलेटाइल है, तो जो वेपर प्रेशर होगा सिर्फ किसका होगा, वोलेटाइल कंपोनेंट का ही होगा, क्योंकि वोलेटाइल कंपोनेंट्स के क्या बन सकते हैं, वेपर्स बन सकते हैं, ठीक है। अब नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट के तो वेपर्स बन नहीं सकते, तो इसलिए सिर्फ वेपर प्रेशर क्या होगा, उसी कंपोनेंट का होगा। तो रॉल्स लॉ हमें कहता है कि अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में कोई वोलेटाइल कंपोनेंट है, तो जो उसका वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी मोल फ्रैक्शन के, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो, इस चीज़ के लिए हमें रोल्स लॉ को हमें यहाँ पे स्टडी करना है, टू डिफरेंट केसेस के लिए हमें स्टडी करना है। फर्स्ट हमें स्टडी करना है व्हेन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स ए एंड बी, ठीक है। हम दोनों केसेस को स्टडी करेंगे। सपोज करो हमने एक कंडीशन में तो क्या माना है कि हमने दो लिक्विड्स, दोनों ही क्या हैं आपके पास, वोलेटाइल इन नेचर है, उन दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, और फिर हम उसकी वैल्यू क्या करेंगे, उसके पार्शियल प्रेशर को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ हमने क्या करनी है, अगर हमने किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के एडिशन की कर दी है, तो उस टाइम पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा या वेपर प्रेशर ऑफ उस वोलेटाइल कंपोनेंट क्या होगा, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आपको बता देती हूँ कि जब भी हमारे पास कोई लिक्विड होता है अपनी प्योर स्टेट में होता है, ठीक है, प्योर स्टेट में उसका पार्शियल प्रेशर, और मिक्स होने के बाद, ठीक है, अगर वो मिक्सचर में चला जाता है, सॉल्यूशन बना लेता है, तो उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझने के लिए हम मान लेते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है, सपोज करो ए कंपोनेंट है, वो हमारे पास वोलेटाइल कंपोनेंट है, और उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना है, 20 एटमॉस्फेयर है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसको बी कंपोनेंट के साथ क्या कर दिया, बी लिक्विड का, इसको मिक्स कर दिया। अब दोनों मिक्स हो गए ना यहाँ पे, ठीक है। मिक्स होने के बाद जिसका पार्शियल प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये क्या था, पार्शियल प्रेशर इन प्योर स्टेट, और ये क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर इन सॉल्यूशन, ठीक है। वो मिक्स हो गया, जब मिक्सचर में हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि हम कहते हैं कि प्योर स्टेट में कुछ और प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर होता है, और जो उसके बाद हमारे पास जो वो सॉल्यूशन होता है उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ होती हो सकती हैं। हो सकता है कि जब ए और बी कंपोनेंट दोनों जिसको हमने मिक्स किया है वो दोनों क्या बना ले, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन बना ले, ठीक है, इससे भी ज़्यादा, तो उस टाइम पे इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अगर इन्होंने वीक बॉन्ड बनाया तो इनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा इनके वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसके लिए अब हम फर्स्ट एग्जांपल, हमारा जो फर्स्ट केस है वो स्टडी करते हैं। फर्स्ट केस में हम स्टडी करेंगे किसके लिए, इस केस में हम क्या लेके चले हैं, टू कंपोनेंट्स, टू लिक्विड्स ए एंड बी, ठीक है, बोथ आर वोलेटाइल इन नेचर, तो दोनों की वजह से प्रेशर होगा, ठीक है। अब इसके लिए हम एक एक्सप्रेशन को डिराइव कर रहे हैं, एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जैसे हमारे पास है यहाँ पे रॉल्स लॉ हमें क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, या फिर हमने क्या लिखा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन वेपर स्टेट, हम दोनों ही चीज़ें लिख सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेज होती है, ठीक है, लिक्विड और वेपर्स में, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन, ठीक है। मैथमेटिकली अगर हम इसको, ठीक है, सिंबल से अगर रिप्रेजेंट करें, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ ए
यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है, पी ए नॉट। ये पी ए नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट है, ठीक है, इन प्योर स्टेट। ऐसे ही सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, दैट इज एक्स बी। तो हमारे पास इसी तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इन टू एक्स बी, ठीक है। अगर हमें टोटल प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, हमारे पास टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल प्रेशर की। अब यहाँ पे चीज़ देखो, टोटल प्रेशर अगर हमें यहाँ पे तो क्या है, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, अगर हमें ओनली एक ही कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन गिवन हो तो उस टाइम पे भी हम क्या कर सकते हैं, इसका रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। तो हम एक्स ए को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस एक्स बी, ठीक है, बिकॉज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट अगर दो ही कंपोनेंट है मिक्सचर में तो दोनों की मोल फ्रैक्शन का सम किसके इक्वल होगा, वन के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका अरेंजमेंट रीअरेंज करने के बाद ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके बिहाफ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बट ये मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब देखो, अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट किया जैसे इसके लिए पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इन टू एक्स ए, ठीक है, पी ए को वाई एक्सेस, ठीक है, मोल फ्रैक्शन हमने लिया एक्स एक्सेस पर। तो देखो, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक है, मैथ्स में आप बड़े अच्छे से पढ़ते हो इसे, ठीक है, और ग्राफ में भी आपने प्लस वन में भी इसे बहुत बार स्टडी किया है, और जिन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता, ठीक है, वो भी इसे अच्छे से समझ लें कि हमें इक्वेशन को, ग्राफ्स को कैसे कैसे ड्रॉ करना होता है। देखो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे इंटरसेप्ट तो क्या है, जीरो है, अगर इंटरसेप्ट जीरो है तो यहाँ पे स्लोप क्या हो गई, पी ए नॉट। तो यहाँ पे इनके लिए हमें ग्राफ कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ विद इंटरसेप्ट जीरो एंड स्लोप पी ए नॉट। ऐसे ही अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ बी वर्सेज मॉल फ्रैक्शन ऑफ बी के वर्सेज ग्राफ ग्राफ को स्टडी करें तो वो भी क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और स्लोप क्या हो जाएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी नॉट, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, अब इसके लिए हम कुछ एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, हम दो न्यूमेरिकल करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और बड़े सिंपल से न्यूमेरिकल है आपके पास। तो इसे फर्स्ट है हमारे पास, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स ए मोलर मास 40 एंड बी मोलर मास 100 कंटेनिंग इक्वल मासेज ऑफ बोथ, ठीक है। गिवन क्या है हमारे पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट भी गिवन है, इन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट भी गिवन है, सिर्फ हम और हमें मोलर मास दोनों कंपोनेंट्स का गिवन है और इक्वल मासेस गिवन है, ठीक है, और हमें क्या बताना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। अब हमें देखो पी ए नॉट की वैल्यू पता है, पी बी नॉट की वैल्यू पता है, अगर हमें किसी तरीके से एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू का अगर हमें पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल पार्शियल प्रेशर को, टोटल प्रेशर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो, टोटल प्रेशर को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अदरवाइज इसके लिए हमें मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है। तो डब्ल्यू अपॉन 40 डब्ल्यू अपॉन 100 रेशियो ये आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 5:2, इस तरीके से हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ जाएगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करने के बाद हम अपने फॉर्मूला में इन सब की वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर, ठीक है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, दैट इज इस केस में हमें ये चीज़ गिवन है, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 120 प्लस 90 एक्स बी, ठीक है। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट, और हमें कैलकुलेट करना है प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट एंड प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट, बी कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। देखो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी पूछा जाता है, ठीक है, एक दो बार पूछा गया इसी के भी हाफ से क्वेश्चन। तो ये यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा जो हमने डिराइव किया, ये वाला फॉर्मूला,
टोटल प्रेशर पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी. ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ एक्सचेंज भी हो सकती है. अगर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आएगा तो यहाँ पे बी, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी हो जाएगा. ठीक है, वो हमें इसके अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें इसको यहाँ पे चेंज कर लेना है. अब देखो इन दोनों इक्वेशन को क्या करो, कंपेयर करो. अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ए नॉट किसके इक्वल होगा, 120 के इक्वल. और यहाँ पे ये इनका जो डिफरेंस है दोनों का वो किसके इक्वल है, 90 के इक्वल. तो हमें पी ए नॉट की वैल्यू पता है, तो हम यहाँ पे इसे ईजिली क्या कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर है ना ये चीज़. उसके बाद हमें क्या स्टडी करना है, ग्राफ. ठीक है, अगर हमारे पास दो कंपोनेंट एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अगर हमें ग्राफ को स्टडी करना है तो हम कैसे कर सकते हैं. ठीक है, अब देखो इससे ऐसा नहीं है कि देखो देखने में क्या लग रहा है, सिंपल सा लग रहा है कि ऐसे लाइनें लगानी और ये बन जाएगा ग्राफ. ठीक है, हमें इस ग्राफ को रीड करना आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है कि हमें इसको रीड कैसे करना है. अब देखो हमने लास्ट, अब हमने यहाँ पे डिस्कस किया था अगर हमारे पास एक सिंगल लिक्विड ए है तो यहाँ पे जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ. ठीक है, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के. पर अब हम कौन सा ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ फॉर सॉल्यूशन की. अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है ए और बी, तो उसके लिए ग्राफ को हम कैसे ड्रॉ करते हैं. तो देखो इसके इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम इस तरीके से, मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके बताता हूँ एक बार. देखो इसके लिए हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, सपोज करो हमारे पास एक सॉल्यूशन है. ठीक है, एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन के लिए हमारे पास यहाँ पे दो कंपोनेंट है, ए एंड बी कंपोनेंट. ठीक है, ए और बी कंपोनेंट है हमारे पास सॉल्यूशन में. अब यहाँ पे देखो ई, यहाँ पे हमने क्या लिया है, मोल फ्रैक्शन एक्स एक्सिस पर हमें मोल फ्रैक्शन लेना है. ठीक है, और वाई एक्सिस पर हमने वेपर प्रेशर लेना है. उसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे ए कंपोनेंट है ना, मतलब यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है वो 1 है और मोल फ्रैक्शन बी क्या होगी, 0 होगी. इस पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगी, 0 होगी और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगी, 1 होगी. क्लियर है ये चीज़. अब देखो यहाँ पे इसको हमें स्टडी करना आना चाहिए, इसको रीड करना आना चाहिए. सपोज करो सेंटर है, सेंटर पे तो दोनों वैल्यूज किसके इक्वल होंगी, दोनों ही वैल्यू होंगी 0.5. अब इस पॉइंट पे वैल्यू एक्स ए की वैल्यू क्या होगी, 0.8 और एक्स बी की वैल्यू कितनी होगी, 0.2. ठीक है, ये चीज़ हमें रीड करनी आनी चाहिए. तो देखो अब हम इसके लिए यहाँ पे हम एक कंडीशन मान लेते हैं, लेट पी बी नॉट पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट इज ग्रेटर देन प्रेशर प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट. ठीक है, ये मान लेते हैं. इसके रिवर्स कंडीशन भी हम मान सकते हैं. ठीक है, बट हम यहाँ पे ये चीज़ मान के चलते हैं. अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ग्राफ ड्रॉ करना है. अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमें पता है कि इक्वेशन अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी ए नॉट. अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे जो हमारे पास एक्स ए की वैल्यू है वो कितनी है, 1, तो प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी ए नॉट के इक्वल. हम मानते हैं कि ये एक वैल्यू क्या है, पी ए नॉट, और ये वैल्यू क्या है, पी बी नॉट. ठीक है, ये पी ए नॉट इसके इक्वल हो जाएगी. अब देखो इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, एक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है मॉल फ्रैक्शन. ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पे एक्स ए की वैल्यू कितनी है, 0. तो अगर हम यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पी ए किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा. मतलब हमारे पास जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो कैसे होगा, लाइक दिस. ठीक है, तो ये किसके लिए ग्राफ है, पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी ए नॉट के लिए. ठीक है, ऐसे ही सेम पैटर्न पे हमारे पास किसके लिए ग्राफ आ जाएगा, पी बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी बी नॉट. इसके लिए ग्राफ कैसा आएगा, लाइक दिस. ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पे एक्स बी की वैल्यू 0, तो हमारे पास पी बी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट. क्लियर है ये चीज़. तो ये होगी ए कंपोनेंट के लिए, ये होगी बी कंपोनेंट के लिए. अब हमें क्या ड्रॉ करना है, अब हमें ड्रॉ करना है फॉर सॉल्यूशन के लिए. ठीक है, सॉल्यूशन के लिए कर्व कैसे आएगी. अब देखो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए नॉट प्लस, ठीक है, पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी, क्योंकि हमने पी बी नॉट वैल्यू क्या ली है, ग्रेटर देन पी ए नॉट. अब देखो यहाँ पे अगर ये वाई है, ठीक है, वाई है, ये एम एक्स है, ये क्या है, सी है. ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे जो स्लोप होगी वो किसके इक्वल होगी, पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट के इक्वल होगी, और इंटरसेप्ट क्या होगा, पी ए नॉट. ठीक है,
अब यहाँ पे यही चीज़ करनी है, अगर हमें एक्स बी की वैल्यू 1 है यहाँ पे, ठीक है, एक्स बी की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 पुट कर दिया तो स्लोप किसके इक्वल होगी, पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। तो जो यहाँ से लेके ये यहाँ तक का डिफरेंस है, ये इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दें लाइक दिस, ठीक है। तो ये किसके लिए ग्राफ होगा हमारे पास, और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा इसका, पी ए नॉट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये हमारे पास है, ये कर्व है, ये किसे डिफाइन करती है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को, ठीक है, या फिर हम ये लिख सकते हैं टोटल प्रेशर। तो इस तरीके से हमें ग्राफ को ड्रॉ करना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमसे इस पॉइंट पे पूछा गया है कि ये बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या है। तो देखो यहाँ पे इस ग्राफ पे या, ठीक है, तो ये वाली कर्व किसके लिए थी, बी के लिए थी। तो जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो वैल्यू किसकी होगी, पी बी, पी बी की वैल्यू होगी। जो इस कर्व पे जो पॉइंट आएगा यहाँ पे वैल्यू किसकी होगी, पी ए की वैल्यू आएगी, ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। और इस पॉइंट पे ये ग्राफ, ये कर्व किसकी वैल्यू देगी हमें, टोटल प्रेशर की, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की, ठीक है। तो हमें इसलिए ग्राफ इंपॉर्टेंट है, हमें इसे रीड करना आना चाहिए कि हाँ जी ये ग्राफ बना कैसे है इन एक्चुअल में, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस ग्राफ को ड्रॉ करना है, ठीक है, ये हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इसका जो बड़ा सिंपल सी चीज़, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, पर हमें इसको सिर्फ एक बार समझ में आना चाहिए। तो देखो हमारे पास, हमने जैसे कि वेपर प्रेशर के केस में, जो हमने वेपर प्रेशर का टॉपिक स्टडी किया था, उसमें हमने स्टडी किया था कि जो लिक्विड और वेपर फेज क्या होते हैं, दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या मान लिया कि जब वो लिक्विड में थे दो कंपोनेंट ए और बी, तो हमारे पास जो एक्स ए था वो क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और एक्स बी को हमने क्या माना था, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। देखो एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, ठीक है। अब यहाँ पे वेपर फेज है, ठीक है, तो वेपर फेज में हम इसकी मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं वाई ए और वाई बी से, ठीक है। तो वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, ठीक है। वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इनके इन बिटवीन रिलेशन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो लिक्विड के केस में, ठीक है, जब हमने सॉल्यूशन बना लिया, तो यहाँ पे कौन सा लो अप्लाई होता है, यहाँ पे हमारे पास लो अप्लाई हो जाता है रोल्स लो, ठीक है, क्योंकि रोल्स लो क्या कहता है, रोल्स लो कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, ठीक है। वेपर फेज में कौन सा लॉ यहाँ पे अप्लीकेबल होगा, डोल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी गैसेस का, वेपर्स का अगर मिक्सचर है, तो जो उनका पार्शियल प्रेशर होता है एनी कंपोनेंट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, मतलब दोनों ही क्या कह रहे हैं, सेम चीज़ बोल रहे हैं, सिर्फ जो हमारे पास रॉल्स लॉ है वो सॉल्यूशन के केस में एप्लीकेबल हो रहा है, और जो डोल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर है वो वेपर फेज के लिए एप्लीकेबल हो रहा है। मतलब दोनों ही क्या है, दोनों की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, दोनों सेम बात बोल रहे हैं। तो देखो जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं फोर कंपोनेंट ए के लिए, डोल्टन के अकॉर्डिंग उसने क्या कहा, डोल्टन ने कहा कि जो हमारे पास प्रेशर ऑफ ए होगा इज इक्वल टू वाई ए इंटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज इन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर, ठीक है। ये हम प्लस वन में भी स्टडी कर चुके हैं फिफ्थ चैप्टर में, स्टेट्स ऑफ मैटर में। अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ क्या होगा, हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स ए इंटू पी ए नॉट के इक्वल। तो यहाँ पे दोनों को क्या रख देंगे हम, इक्वल रख देंगे, मतलब डोल्टन और रोल्स लॉ दोनों सेम चीज़ बोलते हैं, दोनों को इक्वल रख दिया। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, पी ए नॉट पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट डिवाइडेड बाय में टोटल प्रेशर। सिमिलरली हमारे पास वाई बी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे हम बी कॉम्पोनेंट यूज़ करेंगे, एक्स बी पी वी नॉट अपॉन में टोटल प्रेशर, ठीक है। तो हमें ये इंपॉर्टेंट, ये रिलेशन आना चाहिए, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अभी तक हमने डिस्कस किया है फर्स्ट केस को, ठीक है, कि फर्स्ट केस जब हमारे पास दोनों ही कंपोनेंट क्या हैं, हमारे पास वोलेटाइल कंपोनेंट थे, ठीक है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉलिड को, ठीक है, लिमिटेशन से पहले, ठीक है, लिमिटेशन के हवाले से चलो यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। रोल्स लॉ की लिमिटेशन है, एक तो लिमिटेशन ये है कि अगर
अगर हमारे पास कोई भी सोल्यूट, अगर हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, ठीक है, तो वो सोल्यूशन में सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल की तरह ही एग्जिस्ट करना चाहिए। सिंगल मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि वो सॉल्वेंट में जाकर ना तो डिजोल्व होना चाहिए और ना ही वो एसोसिएट होना चाहिए, ठीक है। तो डिजोल्व और एसोसिएट होने का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो हमने शुगर की एडिशन की, ठीक है, तो शुगर वहाँ पे जो सुक्रोज मॉलिक्यूल है वहाँ पे एसोसिएट नहीं होते वाटर में, ठीक है, जबकि हमारे पास जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड क्या हो जाता है, वो डिसोसिएट हो जाता है उसके आयन्स में, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रॉड्स में सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जो उन्हीं सॉल्यूट्स के लिए एप्लीकेबल है जो ना तो एसोसिएट होते हैं और ना ही डिसोसिएट होते हैं एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आते हैं, लिमिटेशन ऑफ रॉल्स लॉ। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट हमारे पास केस है, दैट इज रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक हमारे पास सॉल्वेंट है और हमने उसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की एडिशन कर दी है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हमने वाटर में शुगर की एडिशन कर दी, तो शुगर मॉलिक्यूल्स क्या है हमारे पास, दे आर नॉन वोलेटाइल इन नेचर। नॉन वोलेटाइल मतलब कि वो क्या है, वो दे कैन नॉट फॉर्म वेपर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हमारे पास कोई एक वोलेटाइल सॉल्यूशन है, हमने उसके अंदर नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स की एडिशन कर दी, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज, ठीक है। अब वेपर प्रेशर डिक्रीज क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो हमारे पास सपोज करो हमारे पास ये सॉल्यूशन था, ठीक है, इस सॉल्यूशन में ये सॉल्वेंट था, ठीक है। सॉल्वेंट में हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि हमारे सरफेस पे 10 मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, पहले कितने मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास, इसके 10 मॉलिक्यूल्स थे। फिर हमने क्या कर दिया, नॉन वोलेटाइल की क्या कर दी, एडिशन, हमने क्या कर दी, नॉन वोलेटाइल की एडिशन कर दी, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो सकता है तो यहाँ पे वो ये वाला प्लेस क्या कर लेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे, कुछ तो प्लेस ऑक्यूपाई करेंगे ना। सपोज करो 10 में से यहाँ पे उन्होंने क्या कर लिया, 4 पार्टिकल्स के स्पेस को क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया, तो यहाँ पे कितने पार्टिकल्स रहेंगे, कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे हमारे पास, ओनली 6 मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो अगर यहाँ पे सरफेस मॉलिक्यूल जो वोलेटाइल है नेचर में वो डिक्रीज हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये तो चीज़, ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है कि अगर हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की एडिशन करते हैं तो हमारे पास जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है इस तरीके से। अब देखो इसके लिए हमें डिराइव करना है एक्सप्रेशन को, कैसे करेंगे, देखो रॉल्स लॉ में क्या कहता है, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम वेपर प्रेशर लिख रहे हैं पहले सॉल्वेंट का, क्योंकि इस केस में, इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ही क्या है, वोलेटाइल है, आपके सॉल्यूट क्या है, वो तो नॉन वोलेटाइल ही है ना, ठीक है। तो इसलिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ ली जाती है बोर्ड के एग्जाम में, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को हम क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, प्योर स्टेट में, ठीक है, जो हमने लास्ट केस में डिस्कस किया है। अब देखो अगर हमारे पास सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, अगर सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, सॉल्यूट की वजह से तो कोई वेपर प्रेशर होगा नहीं, तो इसका मतलब जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ किसकी वजह से होगा, ओनली सॉल्वेंट की वजह से होगा, क्योंकि सॉल्यूट तो पार्टिसिपेट कर ही रहा, क्योंकि ये तो क्या है, नॉन वोलेटाइल इन नेचर, ठीक है। अब देखो फ्रॉम 1 and 2 इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। हमने यहाँ पे सॉल्वेंट के लिए 1 यूज़ किया है, ठीक है, और सॉल्यूट के लिए हम 2 यूज़ करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, हम अपने पूरे लेक्चर में यही कंसीडर करके चलेंगे, जो 1 कंपोनेंट है वो सॉल्वेंट के लिए मानेंगे, 2 मानेंगे, 2 यूज़ करेंगे फॉर सॉल्यूट के लिए। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट x1 इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को हमने रिप्रेजेंट किया ओनली पी नोट से, ठीक है, P1 नोट नहीं है, पी नोट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर नॉन सॉल्यूट की वजह से तो कोई प्रेशर है ही नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे x1 आ गया, तो हमारे पास ये क्या आ गई, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारे पास एक तो फॉर्मूला जाता है PS प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो अगर हमें इसी फॉर्मूले को अरेंज करना है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि लेटर ऑन हम इसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी यूज़ करेंगे, जो हमारी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो यहीं पे ही हो जाएगी ऑलमोस्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको हमने क्या किया, रीअरेंज किया, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x2, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड एक्सप्रेशन को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
वन में से सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एन टू। मैंने आपको पहले ही बोला है कि टू कॉम्पोनेंट हम किसके लिए यूज़ करेंगे, टू हम यूज़ करेंगे फॉर सॉल्यूट के लिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ गई, देखो पी नॉट माइनस पी एस, ये क्वांटिटी किसे रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का मतलब क्या है कि पी नॉट क्या था, ओनली सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था। जब हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की एडिशन कर दी तो इसका जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो हमारे पास पी नॉट माइनस पी एस क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और हमारे पास पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट, तो ये क्या हो जाएगी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसका मतलब अगर हम वर्ड्स में इसे एक्सप्लेन करें तो हम क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। अब देखो हमारे पास यहाँ पे, ये हमने आज की क्लास में हमने क्या स्टडी किया, रोल्स लो कंप्लीट, ठीक है। रोल्स लो के लिए हमने दो केसेस को स्टडी किया है, टू केसेस को स्टडी किया हमने। फर्स्ट हमने स्टडी किया है रोल्स लो में, जो हमारे पास दोनों ही कंपोनेंट क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, ठीक है, वॉलेटाइल कंपोनेंट है। और सेकेंड केस हमने डिस्कस किया है बाय द एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, ठीक है। अब इसी के रोल्स लॉ के बिहाफ पे ही हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे वो क्या होगा हमारे पास।